राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला मुख्यालय व तालुका परिसर लेकर 18 बेंच गठित की गई, जिन पर राजीनामे व समझाइश के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आज न्यायिक अधिकारियों ने विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठक कर किस तरह से सभी का सहयोग लेते हुए मामलों का निस्तारण किया जा सकता है, इस पर चर्चा की। विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित इस बैठक में न्यायाधीश के साथ ही न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। लोक अदालत की शुरुआत की गई। हाँ जी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राजस्थान में इस वर्ष की अंतिम और चौथी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और हम उत्साहित हैं कि इस अंतिम लोक अदालत में हम पिछली तीन लोक अदालत से ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण करने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। इस लोक अदालत के आयोजन के लिए यहाँ अजमेर ज़िले में कुल 18 लोक अदालत की बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें से 8 बेंचों का गठन यहाँ हेडक्वार्टर पर किया गया है। अभी हमने सारे न्यायिक अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग की है और हमने सभी न्यायिक अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिन उद्देश्यों को लेकर चला है और लोक अदालत के लिए जिस प्रकार की जन सहभागिता और न्यायिक अधिकारियों की सहभागिता, इनके सामंजस्य से ज़्यादा मुकदमों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके, इसकी हमने तैयारियां की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें पक्षकारों का, अधिवक्ताओं का, न्यायिक परिवार का, सभी का सहयोग मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा